धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। कर्नाटक के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और उसको लेकर हमने यह पूरा बुलेटिन शुरू किया है। एक एपिसोड आपके सामने पहले रख चुके हैं, दूसरा एपिसोड आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले एपिसोड में मैंने आपके सामने बताया था कि पोस्टल बैलेट पेपर जब तक उसकी गिनती हुई तब तक कांग्रेस आगे रही, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली भारतीय जनता पार्टी जो पीछे चल रही थी उसने छलांग लगाकर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया और खुद आगे चली गई। तो क्यों होता है ऐसा, क्या है ईवीएम में अंदर और क्या बैलेट पेपर में है, ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप लोग सोचिए, सवालात लगातार ईवीएम पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए उस विपक्ष को जब वो हार जाता है तो ईवीएम पर सवाल खड़े करने लग जाता है, लेकिन जब जीत जाता है उपचुनाव में तब वो जरूर बातें करने लगता है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, आप जीत जाएं तो भी सवाल खड़े करिए, आप हार जाएं तो भी सवाल खड़े करिए और कहिए कि जब तमाम दुनिया के देशों ने ईवीएम खत्म कर दी है अपने यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर ईवीएम क्यों चल रही है, हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होता है। इस पर बात ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ करें, लेकिन जब ये उपचुनाव में जीत जाती है ना तब ये कुछ नहीं बोलती है। तो उपचुनाव का हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बताऊँगा कि उपचुनाव में विपक्ष जीत रहा है और मुख्य चुनाव में विपक्ष हार जाता है, वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अच्छे बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीत जाती है, कैसे ये सब होता है आपके सामने पूरी रिपोर्ट रखने जा रहा हूँ। तारीखों के हवाले से आपके सामने रखूँगा, तो तारीखों का हवाला ये है कि 2 फरवरी 2018 से लेकर 14 मार्च 2018 तक हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के अंदर बुरी तरह से हारी, सिर्फ 1 विधानसभा जीत पाई। दोबारा सुनिए, 2 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच आए चुनावी नतीजों में जो उपचुनाव के नतीजे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी, सिर्फ 1 विधानसभा सीट पर जीत पाई, 5 राज्यों के नतीजे हैं। लेकिन जब मुख्य चुनाव हुए 3 राज्यों के अंदर या कर्नाटक के अंदर, तब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ जा रही है, तब वो काम कुछ और हो रहा है। तो क्या देश की जनता वोट अलग तरीके से दे रही है? चलो भाई, ये विपक्ष वाले हैं 10 महीने के लिए इनको जिताकर खुश कर देते हैं, अरे नहीं भाई, ये अब तो मुख्य चुनाव और अब तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के लिए जिताएंगे। क्या वो लोग ऐसे सोच के वोट कर रहे हैं, कैसे सोच के वोट कर रहे हैं? क्या ये ईवीएम उस टाइम से ही काम करती है और बाद में जब मुख्य चुनाव होता है तब से ये काम करना बंद कर देती है? ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इस पर बात कीजिए, बहस कीजिए और अपने नेताओं से भी पूछिए जो जीत जाने के बाद, जरा सा 8-10 महीने के लिए जीत जाने के बाद बोलते नहीं है, बोलना बंद कर देते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़ा करने बंद कर देते हैं। 2 फरवरी का चुनावी नतीजा देख लीजिए जो राजस्थान से हमारे पास आया था। राजस्थान की 2 सीटों पर चुनाव हुआ था लोकसभा की, और वो दोनों सीटें हैं अजमेर और अलवर। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। जी दोबारा वर्ड सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। 1 विधानसभा सीट पर और चुनाव हुआ था राजस्थान के अंदर, जिसको मंडलगढ़ कहा जाता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। तो साहब ये क्या हुआ, उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई, कांग्रेस जीत गई, लेकिन जब राजस्थान में मुख्य चुनाव होगा तो हम आपको दिखा देंगे, बता देंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि यही ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को जीता रही है और इसी ईवीएम से कांग्रेस वाले बुरी तरह से हार रहे हैं। दूसरा नतीजा हमारे पास देख लीजिए कहां से आ रहा है। 28 फरवरी को चुनावी नतीजा आया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना हुई और मतगणना होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद जो नतीजे हमारे पास आए उसमें कोलारस विधानसभा, मुंगावली विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस जीत गई। उपचुनाव ऐसा भी है, अभी 2018 के आपके सामने रख रहा हूं। इससे आगे चलिए, 28 फरवरी को ही नतीजा आया था उड़ीसा का। उड़ीसा की बीजापुर विधानसभा सीट पर बीजू जनता दल जीत गई और भारतीय जनता पार्टी वहां बुरी तरह से हार गई। 28 फरवरी को ही हमारे पास चौथे राज्य से नतीजा आया, सॉरी 28 फरवरी वाले मामले में जाएंगे तो 3 राज्य हुए क्योंकि वो 2 फरवरी में आ चुका है राजस्थान का नतीजा। तो 28 फरवरी को ही हमारे पास नतीजा आया था वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की कुलुबेरिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार हुई और वहां पे टीएमसी जीत गए, और यहां की एक विधानसभा जो सीट थी जिसे नोआपाड़ा कहा जाता है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई और यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर जीत गई टीएमसी। लेकिन जब मुख्य चुनाव की बात आई, इसी बीच में जो मुख्य चुनाव हुआ जिसके नतीजे आए 3 मार्च को मेघालय में, त्रिपुरा में और नागालैंड में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती, जिस मेघालय के अंदर
कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी वो काफी पिछड़ गई, और जिस त्रिपुरा में कांग्रेस एक विपक्षी दल हुआ करता था वहां पर उसका खाता भी नहीं खुल पाया। तो ये देख लीजिए जब मुख्य चुनाव हुआ तब क्या नतीजे आए, और जब मुख्य चुनाव नहीं हुआ तो क्या नतीजे आए। आगे चलते हैं, 14 मार्च को हमारे पास नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश से, फूलपुर और गोरखपुर। गोरखपुर यानी कि आदित्यनाथ योगी की सीट और फूलपुर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की सीट, दोनों सीटें इनके लिए प्रेस्टीज का इशू बनी हुई थी। 11 जनसभाएं की हैं गोरखपुर के अंदर आदित्यनाथ योगी ने, और 5 जनसभाएं की थी फूलपुर में। पूरा पन्ना प्रमुख और संगठन और ये मीडिया भोंपू मीडिया सब लगा हुआ था वहां पर। बावजूद इसके सपा और बसपा के महागठबंधन के प्रत्याशियों से, नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नेता यहाँ बुरी तरह से हार गए। लेकिन हुआ क्या जब, और हाँ, बिहार से ही हमारे पास 14 मार्च को नतीजे आए, तो बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी, जहानाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। लेकिन भभुआ, जैसा मैंने आपको कहा था, सिर्फ 5 राज्यों में हुए चुनाव में जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर जीती है, भभुआ सीट पर यहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन जब मुख्य चुनाव हुआ, ठीक है साहब, अब हमारे सामने जो आया है चुनावी नतीजा कर्नाटक का, वो आपके सामने है। अब आप खुद देख लीजिए, खुद सोच लीजिए। पहली खबर में मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ पोस्टल बैलेट पेपर का मामला, और अब आपके सामने पूरा मामला है। तो ईवीएम जब चुनाव होते हैं, हो सकता है अब केरला में चुनाव हो रहा है तो उसके नतीजे देखने दिलचस्प होंगे क्या होगा, और भी कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसकी एक अलग से खबर आपके सामने रखूंगा। इस चुनाव का उन चुनावों पे क्या असर पड़ने वाला है वो भी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। फिलहाल अभी इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं कि जब उपचुनाव होते हैं तो विपक्ष को जिताता है ईवीएम, लेकिन जब मुख्य चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।